YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 6 के जो प्रमेय हैं उन प्रमेय के बारे में मैं आपको जितने भी इस प्रश्नावली में जितने भी प्रमेय हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो अपनी प्रश्नावली है 6, इसकी प्रमेय नंबर है 6.1 फर्स्ट वाली। ये दे रही कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमारी प्रमेय है। अब देखो, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, एक हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, ए बी सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने मान लिया इस भुजा के समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, अन्य दो भुजाओं, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए। एक बिंदु ये ले लिया और एक बिंदु ये ले लिया और इसके ऊपर हमने एक ही रेखा खींची जाए, एक ही रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमारी प्रमेय की। तो हमें इस त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी दे दिया और जो हमने ये रेखा खींची इसका नाम हमने डी और ई दे दिया। अब देखो, हमें ये डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी, ठीक है। तो अब देखो, जब ये भुजा और ये भुजा जब समांतर हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। और इसी तरीके से हमें इस सवाल को सोल्व करेंगे और यही हमारी फर्स्ट प्रमेय है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम देखते हैं, देखो इसमें दो त्रिभुजों की बात कर रहा है कि समरूपता नियम की। जैसे हमने दो त्रिभुज बनाए, एक त्रिभुज तो है हमारे पास में ये जिसका नाम है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज हमने बनाया है पी क्यू और आर। क्या कहा इसने, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब अगर कोण ए, ये अगर कोण ए कोण पी के बराबर होगा और कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण के आर के बराबर होगा तो ये जो त्रिभुज होंगे ये कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो अब हम इसलिए लिख लेते हैं, तो यदि यदि हम कोण ए बराबर कोण पी ऐसे कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। तो जब कोण ए बराबर कोण पी अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा और कोण सी कोण आर के बराबर होगा तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। अब देखो हमने तीनों ही समरूपता का नियम बताया, कौन से नियम से, क्या एंगल एंगल एंगल, अर्थात हमने क्या किया तीनों ही इसमें एंगल लिए, तो इसका नियम हो जाएगा कोण 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 समरूपता नियम से, यही हमें प्रूफ करना है। प्रमेय नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये हमारी प्रमेय नंबर 6.4 है। देखो इससे पहले हमने 6.3 प्रमेय पढ़ी थी कि यदि दो त्रिभुजों में अगर उनमें तीनों कोण बराबर हैं, इसका पहला कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, इसमें दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर और तीसरा कोण तीसरी दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, तो उसमें हमें तीनों ही कोण, इसके तीनों ही कोण उस तीनों ही कोण के बराबर हो, तो वो आकृति वो त्रिभुज कहलाता है समरूप। और कौन से नियम से, कि एंगल 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 समरूपता नियम से। अब हम इसमें बात करेंगे यदि दो त्रिभुजों में एक भुजा एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इससे पहले हमने किसकी बात की, कि उसके संगत कोणों कोण की बात की, और इसमें इस प्रमेय में हम बात करें किसकी, कोण के बारे में। तो देखिए हम देख लेते हैं, इसमें ये एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मान लिया हमने देखो ये ए बी किसके बराबर हैं, पी क्यू के, बी सी किसके बराबर हैं, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर हैं, पी आर के बरोबर है, तो यही हमें लिखना। अब देखो हमें इसको अगर हम बरोबर में भी लिख सकते हैं या बटे में भी लिख सकते हैं, तो दोनों का अनुपात की हम बात करते हैं। देखो इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू। फिर हम इसमें ले लेते हैं आगे, इसमें आ जाएगा बी सी बराबर क्यू आर, तो बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, तो ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब कौन से नियम से, हमने इसमें क्या लिया, देखो भुजाएं ली, तो ये हो जाएगा साइड 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 समरूपता नियम से, यह बराबर होगा। देखो इससे पहले तो हमने एंगल 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 समरूपता नियम से बात की, और इस प्रमेय में हमने किसके बारे में बात की, के साइड 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 के बारे में।